एसईओ बैठक में पहुंचे जयशंकर। एसईओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का किया स्वागत, तस्वीरें सामने हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एसईओ की बैठक, मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भरेंगे हुंकार। बैठक में आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा, 15 देशों के लीडर भी सम्मेलन में हुए शामिल। पाकिस्तान दौरे के दौरान एस जयशंकर की मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने आई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ वॉक करते नजर आए। इस दौरान विदेश मंत्री ने उच्चायोग में पेड़ भी लगाया। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे मौजूद। बैठक में सैनी के नाम पर लग सकती है मोहर, नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में मीटिंग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होगी चर्चा। दोपहर बाद सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे दिल्ली, डेप्यूटी सीएम फडणवीस के भी पहुंचने की उम्मीद। वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी मुलाकात। उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण आज, थोड़ी देर में मनोज सिन्हा पद और गोपनीयता की दिलाएंगे शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, पोस्ट कर लिखा, एकता ही इंडिया है। उधर बहराइच हिंसा मामले में रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। हत्यारों ने रामगोपाल के पैरों के अंगूठों के नाखून भी उखाड़े। शरीर पर मिले 30 से ज्यादा छर्रे के निशान। मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन को पूरे हुए 12 दिन, डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। कई बड़े दिग्गज भी हड़ताल में हुए शामिल। दिल्ली टर्मिनल 1 पर इंडिगो फ्लाइट की सफल लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। यूपी के हाथरस में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 146 पाइप, एक कैंटर, एक गाड़ी और घटना में शामिल एक ट्रक को बरामद किया। उधर पटना में डबल मर्डर से मची सनसनी, लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सब्जियों की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हुआ। जम्मू के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हुआ, मुलावारन गांव में लगी भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर खाक हुई। ईरान में तेल रिफाइनरी में लगी आग, तेल टैंक में विस्फोट होने से फैली आग, एक कर्मचारी की मौत, कई घायल। गीजा के पिरामिड के टॉप पर नजर आया कुत्ता, पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था वीडियो। रोमानिया में अचानक से धसी सड़क, कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी, भयावह तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उधर ब्राजील में तूफान ने बरपाया कहर, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से भारी नुकसान की आशंका, तस्वीरें सामने आई। रूस में भारी बर्फबारी के बाद हाईवे हुआ जाम, सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े दिखे। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इकदामात को तरजीह देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि गुर्बत माशी नहीं अखलाकी मसला है, गुर्बत के खात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी, जबकि आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। आलमी मंजरनामे पर मौसमी तब्दीली के चैलेंज का जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा, माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इज्तिमाई इकदामात करना जरूरी है। रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ का भी जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसर मजबूत एससीओ खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है, मुआशी शोबे में तआवुन और मुवाक़े एससीओ की अहम ताकत हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म का नहायत मौसर और मुदलिल अंदाज में तमाम पहलुओं का अहाता करना जो कि खित्ते की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। एससीओ के फोरम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है, उसकी अहमियत को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तमाम पहलुओं पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर बात की है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इज्तमाई काविशों पर, इज्तमाई जो ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र एक कलेक्टिव एफर्ट पर यकीन रखता है, तो वज़ीर आज़म ने उसी पाकिस्तानी आज़म का इजहार किया और कहा है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से किसी भी मंत्री का पहला पाकिस्तान दौरा भी है, क्योंकि 9 साल पहले 2015 में दिसंबर में सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हुआ करती थी वो गई हुई थी, और अब जाकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई
वार्ताएं यहां पर होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है क्योंकि 40-45% आबादी इन्हीं 10 देशों में रहती है जो कि एससीओ के सदस्य देश है। अब ऐसे में मुद्दे ये भी होंगे कि रूस से लेकर के यूक्रेन तक जो युद्ध चल रहा है और इसराइल से लेकर के हमास से झूला तक, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें अहम क्योंकि जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर कह करके गए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यहां कोई बातचीत नहीं होने वाली है, ना इन मुद्दों पर कोई बातचीत होने वाली, क्योंकि ये एससीओ की मीटिंग है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला द्विपक्षीय वार्ता। ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता की जो उम्मीदें हैं वो सिरे से खारिज कर दी गई थी। आज मुलाकात जिस तरीके से होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कई मायनों में खास होती है कि आखिरकार शहबाज शरीफ से वो किस तरीके से मिलते हैं। और एससीओ सहयोग संगठन जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसी के साथ अब इसमें 10 देश है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस्लामाबाद से जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एससीओ समिट में पहुंचे हुए हैं विदेश मंत्री, और काफी लंबा अंतराल है जिसके बाद कोई मंत्री गया है पाकिस्तान, लेकिन यहां पर भी ईरान के वजीर सनत सैयद मोहम्मद भारत के वजीर खारजा जयशंकर, मंगोलिया के वजीर आजम, तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेरेदोव, जबकि एससीओ सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, जहां नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण हो चुका है। कांग्रेस के समर्थन की सरकार अब बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण करते उमर अब्दुल्ला, दूसरा कार्यकाल है इनका मुख्यमंत्री के तौर पर। और इस शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन की ओर से अगर बात करें तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर संजय सिंह यहां पे पहुंचे हुए हैं। बेशक यहां पर एकता दिखाने का यहां पर प्रयास है। उमर अब्दुल्ला यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस एनसी ने यहां पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन देखना यह होगा कि मंत्री पद को लेकर, मंत्रियों को लेकर के यहां पे जो तस्वीर होती है वो कैसे निकल के सामने आती है। और अब बात हरियाणा, क्योंकि कि हरियाणा में कुछ ही घंटों में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। जिस तरीके से वहां पर महामंथन चल रहा है, विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, तो बेशक कुछ ही देर में अब कैयब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगने की गुंजाइश जताई जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम हरियाणा से, जहां पर गृह मंत्री जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया हरियाणा के लिए वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ देख पा रहे हैं आपकी मोहन यादव, इनको भी बनाया गया सह पर्यवेक्षक, लिहाजा वो भी पहुंचे हुए हैं, और जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं। यानी कि विधायक दल की बैठक में आज नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग सकती है। नायब सिंह सैनी भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और इस बीच बड़ी बात यहां पर ये कि जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये दरअसल विधायकों की है, जो विधायक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में अब चुन लिया जाएगा नेता नायब सिंह सैनी को। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंचकुला से जुड़ गई है पुनीता, पुनीता का रुख करेंगे। पुनीता, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, तस्वीरें भी दिखाएगा और जानकारी भी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पंचकुला के बीजेपी कार्यालय पंचकमल में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो नव निर्वाचित विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। इंतजार यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह का हो रहा है, 12 बजे का समय है जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँ, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबकी निगाहें ये टिकी हुई है कि विधायक दल की बैठक में आखिर आज क्या होगा। हालाँकि लगभग नाम जो तय है नायब सैनी का यहाँ पर है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से चर्चाएँ यहाँ पर जोरों है, कई दावेदार सीएम पद को लेकर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं हैं वो नायब सैनी को लेकर ही है। और इसलिए पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को आज यहां पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए बीजेपी जो है हमेशा से अनुशासन के लिए जानी जाती है, और एक बार जब सीएम का नाम तय हो जाता है इसके बाद चर्चाएं खत्म हो जाती है। लेकिन हरियाणा में ये उस वक्त गलत साबित हुआ था जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा दिया गया था, नायब सैनी को चुना गया था सीएम के तौर पर। इसके बाद नाराजगी जो है खुलकर सामने आई थी, और आपको याद होगा कि
कि अनिल विज की नाराजगी तलखी उस वक्त देखने को मिली थी, विधायक दल के बैठक को छोड़कर वो बाहर निकल गए थे। ऐसे में वही तलखी वही नाराजगी आज किसी भी तरीके से निकलकर सामने ना आए, और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह को और मोहन यादव को यहाँ पर आज भेजा जा रहा है। आज जब विधायक दल की बैठक होगी, जब एक नाम पर मुहर लगती है, इसके बाद क्या कोई नाराजगी निकलकर सामने आती है? बिल्कुल, जो आप बता रही हैं पुनीता की नाराजगी अगर निकलकर सामने आएगी तो खुद यहाँ पर बीजेपी के चाणक्य पहुंचे हुए मोहन यादव उनके साथ मौजूद है, नाराजगी को दूर किया जाएगा। नायब को फिर से कमान मिलने की बात सामने आ रही है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा में नायब ही बीजेपी के नायक। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है, प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। वैसे तो तय था कि नायब सैनी ही सीएम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। तो अब यह तय है कि नायब सिंह 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारी की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले हरियाणा के शपथ ग्रहण को बीजेपी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि नायब सिंह सैनी ही जीतने के बाद अगले सीएम होंगे। उधर अनिल विज और राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम दावेदारों में था और उन्होंने खुद इच्छा भी जताई थी। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने खुद एक तरफ से अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी असल मायनों में छुपा रुस्तम साबित हुए। सौम्य चेहरे वाले सैनी का नाम मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य से बाहर बमुश्किल ही किसी ने सुना होगा या ध्यान दिया होगा। चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर उन्हें हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। सैनी को पता था कि उन्हें कांटों भरा ताज मिला है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से जाट वोटरों में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन सैनी ने चमत्कार कर दिया, इतिहास रच दिया। बीजेपी के इस नायाब हीरे ने हरियाणा में पार्टी की जीत का हैट्रिक बनवा दिया। एक ऐसा करिश्मा जो सूबे में अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडितों और एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि प्रदेश में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सैनी असल मायने में एक नायक साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर, रिपब्लिक भारत।